बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर जराल, पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर यूनान की तरफ से सेक्रेटरी अमूर कश्मीर। आज हम जो है योम यकजहती कश्मीर के हवाले से यहां पर मौजूद हैं और इस तकरीब का मकसद है कश्मीरियों के साथ अपने जो हमारे जज्बात हैं उनको दुनिया तक पहुंचाना और जो कश्मीरियों के साथ अक्वामे मुत्तहिदा में यूएन में जो उनके लिए हक़ खुद इरादियत का जो वादा किया गया है उसके लिए हम आज यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि जो इंडिया 1948 और 1949 में यूएन में अपना जो वादा करके आया था कश्मीरियों के साथ हक़ खुद इरादियत का उसकी वो मसलसल खिलाफ़ वर्जी करता आ रहा है और वहाँ पे उसने जो अब स्पेशल स्टेटस कश्मीर का जो 370 और 35 है उसको ख़त्म करके वहाँ पे अपने जो गैर रियासती अनासर हैं उनको वो बसाना चाह रहा है ताकि मुसलमानों की कश्मीर में जो अक्सरियत है उसको अकलियत में तब्दील किया जाए। तो हम जो है ये जो 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर का जो प्रोग्राम मनाकर किया जाता है ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी हैं उनकी तरफ से मकबूजा कश्मीर के हमारे बहन भाइयों के लिए हर साल 5 फरवरी को हम इस अज़म को दोहराते हैं कि हम कश्मीरियों की मुकम्मल आज़ादी और भारत से जो है उनके जो कब्जे में भारत के कब्जे में जो कश्मीर है उससे उसको कब्जा छुड़वाने के लिए हम हमेशा उनके साथ कदम ब कदम हमेशा साथ रहेंगे जब तक उनका जो उन अक्वामे मुत्तहिदा में उनको जो हक दिया गया है हक़ उद इरादियत का जब तक उनको वो मिल नहीं जाता तो इंशाल्लाह हम इसको जो है भरपूर तरीके से जैसा कि इस बार हमने इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हर साल जो आने वाले साल हैं जब तक ये भारत इसको हक़ उद इरादियत को कश्मीरियों के लिए ऐलान नहीं करता इंशाल्लाह तब तक हम जो है इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर यूनान जो है वो काफ़ी अरसे से जो है मुख्तलिफ तकरीबात में जो है कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और आज भी 5 फरवरी की योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़द किया है। इसका भी यही मकसद है कि जो अपने सहाफ़ी तनजीमें हैं और जो अपने सहाफ़ी भाई हैं उनकी तरफ से हम जो है अपना पैगाम दुनिया तक जो है पहुँचाएँ और कश्मीरियों के लिए जो है वो अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें और हम उनको हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों को किसी भी जगह पर तनहा ना छोड़ा जाए और दुनिया के हर फोरम पर यूएनओ से लेकर इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जो भी दुनिया में जितने भी फोरम्स हैं इंटरनेशनल उन पर जो है कश्मीरियों की हम जो बात करें और अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएं ताकि कश्मीरियों को जो है उनको आज़ादी दिलाई जाए भारत से और जो जुल्म ज़्यादती उनके खिलाफ हो रहा है जो जबरी कब्ज़ा हुआ है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इसको ख़त्म करता हूँ कि इंशाल्लाह जब तक भारत कश्मीरियों का उनका हक नहीं देता हम जो है मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कश्मीरियों के हर तरह की हलाकी सफारती माली यानी जो भी हमारे बस में है वो इंशाल्लाह हम मदद करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तनवीर साकी मजदूर यूनियन यूनान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर यूनान में और 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तमाम मेंबरान जो हैं वो इस हवाले से पुरजोश थे और आज बड़ी बातें होंगी, वो बड़ी बातें हुई। हमारे एक दोस्त हैं मिर्ज़ा नईम साहब जिनको वो भी कह रहे थे कि खाली मजलूम के साथ खड़ा होना मतलब यही है
कि आप भी मजलूम है। मैं सारी जिंदगी से ये एहतजाज करता रहा हूँ और करते रहे हैं, मेरा ग्रुप भी करता रहा है पाकिस्तान में भी, यहाँ में भी। और ये एक ऐसा सिलसिला है जो एक पहले वाजपेयी के दौर था, फिर मोदी का दौर था, ये मुख्तलिफ अदवार आते रहे हैं, लेकिन भारत ने जुल्म जो किया है वो कभी ना रोका है ना वो रोक रहा है, और हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब ये है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम जो भी कर सके, जंग तक कर सके, जान तक दे सके, हर कुछ करेंगे और करते रहेंगे। मेरा ग्रुप और ये जर्नलिस्ट क्लब जो है, ये सब हर वक्त कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, और हम मुख्तलिफ फोरम पे आवाज उठाएंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तरीकाकार से, और इस दस्तूर को तब्दील भी किया जाएगा ताकि सिर्फ 5 फरवरी अजहार योम यकजहती कश्मीर ना रहे, इस पर कोई अमल दरामद हो ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम कोई नई आगे कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें जो सिर्फ इजहार ना किया जाए बल्कि कोई इकदाम उठाए जाए। क्योंकि एहतजाज रिकॉर्ड करवाना वो तो इसी तरह है जैसे कोई मैच देखा देख रहा है, देखा और चला गया, लेकिन हम इसके इस हवाले से नए इकदाम उठाने के हवाले से सोच रहे, और इंशाल्लाह कोई बहुत जल्द नया कदम उठाएंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे इजाजत दीजिए, तो जनाब मोहतरम यामीन साहब अब बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद यामीन, टीवी फॉर यू इंटरनेशनल चैनल की तरफ से मोहम्मद यामीन ब्यूरो चीफ बतौर, और हम इस वक्त पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के ऑफिस में मौजूद हैं, और मैं आज 5 फरवरी योम यकजहती के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है आज। और सबसे पहले मैं पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान के जो सदर हैं खालिद मुगल साहब, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये एक प्लेटफार्म जो है वो बनाया है, तो हमें भी बात करने का मौका मिला इसी प्लेटफार्म से। और 5 फरवरी के हवाले से बात करें कश्मीर के हवाले से, तो आज जैसे कि हमने सर देखा यूनान में आज पूरे जोश तरीके के साथ जैसे वाम वायर निकली और ये जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया, हालांकि बर्फबारी हो रही, बारिश हो रही है, इसके बावजूद इतनी बारिश के बावजूद और बर्फ के बावजूद इतनी ठंड के अंदर जो लोगों ने जैसे जज्बात का ज्यादा अपने जज्बात का जो इजहार किया है, और उन्होंने ये बता दिया कि हम जो है लम्हा ब लम्हा अपने माए और बहने हमारी जो कश्मीर से हैं हम उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह हम हर मरतबा इनकी आवाज बनेंगे, इंशाल्लाह जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता हम इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक इनके साथ हैं और मोदी का काफर का मुकाबला करेंगे, क्योंकि मोदी ने जो जितनी ये जुल्म और सितम जो उठा रहा है कश्मीर के अंदर हमारी माओं और बहनों के साथ, ये इंतहाई अफसोस की बात है, और हम सबको चाहिए कि हम उनकी आवाज बने और उनका साथ दें, और पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है हम उनसे भी अपील करते हैं कि प्लीज खुदारा आप इसके हवाले से कोई कौमी मतहदा के साथ बात करें और हमें जो इंसाफ दिलाएं, हमारे कश्मीर के जितने भी माएँ बहनें बेटियां और हमारे बुजुर्ग जो जितनी इतनी शदीद जुल्म और सितम के साथ उनको कत्ल कर दिया जाता है, और वो हम तो हर लम्हा बलम्हा उनके साथ हैं, जितना भी इसके हवाले से मजम्मत की जाए, जितनी भी इसके हवाले से बात उठाई जाए उतनी ही कम है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यूनान की जो अवाम है उनको भी, जिन्होंने आज ये बता दिया कि हम कश्मीर के साथ हैं, और इतनी ज्यादा की तादाद में जो लोग हैं वो आज इतनी ठंड के अंदर भी बाहर निकले। सर मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आज हमारी यूनान की जो अवाम है वो बाहर आई है। हाँ जी, ये देखो कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है, कोई कई बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से बसें नहीं आ रही, मोटरसाइकिल नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे हैं, लोग आए हैं और बड़े जज्बात का इजहार किया है, वहां पे बहुत सैकड़ों लोग इकट्ठे थे, तो ये सिलसिला हर साल हम करते हैं और रूटीन से करते रहे हैं। यहाँ पे भाई आज हमने ये भी देखा कि जो यूनान की जो गवर्नमेंट है काफी की तादाद में उनके जो पुलिस अहलकार थे वो सारे वहां मौजूद थे, और उन्होंने जो अवाम को कैसे कंट्रोल किया, लेकिन अवाम जो है वो फिर भी उनसे काबू नहीं आ रही थी। ये सिलसिला इस तरह के, जब भी कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है तो वहाँ इजाजत ली जाती है या हमें बताना पड़ता है, इसलिए पुलिस पहले से वहाँ पे मौजूद होती है, ये यहाँ का ला यहाँ के कानून के मुताबिक है, तो पुलिस इसलिए वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन जज्बात थी, जब जज्बात बढ़ते हैं उबड़ते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
बाकी हरदराज साहब आपको बताएंगे जी। मैं अभी यही कहना चाहूँगा सेकंड थिंग के पहले तो हुआ ना अवाम का एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, ठीक है जी। अवाम का एहतजाज जो है वो तो शुरू से अवाम जो है उनके जज्बात कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। जब वो सिर्फ नाम ही सुनते हैं ना कि ये फलां बंदा कश्मीरी है या कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो वो अपने जज्बात का इजहार बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। और वो आज जैसा कि आपने देखा इंडियन एम्बेसी के सामने के उनके जज्बात इतने कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं इंडियन एम्बेसी के गेट के अंदर दाखिल ना हो जाए या उनको बुलाकर वो जो है ना वो एम्बेसडर को बाहर ना ले आए कि आप हमारी बात आकर सुने और कश्मीरियों का मसला करें, ऐसा लग रहा था। लेकिन दूसरी जो अपनी मैं बात करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका जो काम है वो ये नहीं कि आप सिर्फ अवामी एहतजाज को जो है वो देखें और इस पे जो है वो आप फोकस करें। आपका काम है पॉलिसीज बनाना, आप पॉलिसीज बनाएं और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ये अवाम का काम है। आप पॉलिसीज बनाएं, मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं जैसे UNO का है, जैसे इंसानी हकूक की तंजीमें जिनके दफ्तर हैं ऑफिस हैं वहाँ पे आप जाएं, जो अपने जो अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें स्पेशल कश्मीर के लिए उनको वहाँ पे भेजें, हकायकनामा लिख कर दें, उनको कश्मीर की तारीख का बताएं, उनको इंडियन जुल्म जो जबर है कश्मीरों के खिलाफ माओं बहनों के साथ जो वो ज्यादती कर रहे हैं, जो बेहरमती कर रहे हैं, जो बुजुर्गों को बच्चों को अंधा कर रहे हैं शहीद कर रहे हैं, वो उनका जो जितनी भी ये चीज़ें हैं उनको आप जब तक लिख कर जब तक आप सबूत के साथ वीडियोस में फोटोज में जैसा भी आप सफारती तरीके से मुनासिब समझते हैं वो वहां जाकर पेश करें हकायकनामा, ताकि इंडिया जो कर रहा है उसमें कम से कम कुछ तो कमी आए। जब तक ये मसला हल नहीं होता वो इंडिया खुली उसको जो छूट मिली है वो उस पर तो कंट्रोल किया जाए। तो जबरदस्ती है ना, ये तो मोदी के जबरदस्ती है, किसी को मान नहीं रहा, वो सिस्टम कर रहा है ये। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और कश्मीरी मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर 75 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी मसलसल पॉलिसी नाकाम हो रही हैं, तो उसकी बुनियादी वजह आपको ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के जज्बात जो हैं और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के इतनी सपोर्ट के बावजूद आप जो है मसला कश्मीर हल नहीं करवा पाए 75 साल से, इसकी वजह क्या है। आप वो वजूहत तलाश करें, उन पर आप वर्क करें, उनको आप संजीदा लें, आपकी सीरियसनेस नहीं है। आप पार्लियामेंट में जब भी जाते हैं आपका इजलास टोटल जो है वो सियासत पे होता है। अभी आपने किसी भी तकरीबन मुझे 6 माह हो गए हैं, ये जो चंद दिन आते हैं सालाना कुछ कश्मीर के हवाले से तकरीबात होती है उन पे आप एक एक मैसेज दे देते हैं, और आप पार्लियामेंट में अगर कोई बात करता हो ठीक है वो भी हो सकता है, मेरा ख्याल है वो भी नहीं होती। तो 6 माह या साल हो गया या कितने साल हो गए हैं आप पार्लियामेंट में इस पर डिबेट ही नहीं करते कश्मीर पे। आप वहां पे एक डिबेट कश्मीर के लिए स्पेशल जो है वो डिबेट का एक टाइम जो है वो मुकर्रर करें कि पार्लियामेंट में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रोजाना की जो है वो सिर्फ कश्मीर पे डिबेट होगी, और हर जो नुमाइंदा है पार्लियामेंट का वो जो है सेनेट का नुमाइंदा है वो सिर्फ कश्मीर पे बात करेगा, उस पे जो है वो फोकस करेगा, तब जाके आपकी सीरियसनेस हमें नजर आएगी। कश्मीरी जो उनको ये नजर आएगा कि पाकिस्तानी रियासत हमारे साथ मुखलस है। आज कश्मीरी जो हैं वो बाकी जो पाकिस्तान में जैसे हैबर पख्तूनख्वा या सिंध में या बलूचिस्तान में वो अपने मसाइल का वो शिकार हैं या वो अपनी मसाइल की शिकायत करते हैं, हकूक की शिकायत करते हैं, ऐसे ही आज कश्मीरी भी आपसे शिकायत करना शुरू हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो दफा की जो फ्रंट लाइन है वो कश्मीरी है मैं समझता हूँ। तो आप अगर वो कश्मीरियों पे जुल्म करेंगे तो कल को उनका हौसला बढ़ेगा, वो पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ेंगे। तो खुदारा हम अपील करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, खुदारा आप जो है सियासत की बातें छोड़ें और कश्मीर के हवाले से आप कुछ कदम उठाएं। हम आपसे बे इंतहा जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आखिर में कश्मीर के हौसला मंद लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं यासीन मलिक हैं या बाकी जो रहनुमा है हुर्रियत रहनुमा, हम उन सबका खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्राह करम TV4U को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।